हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी अ लिटिल थिंग कॉल्ड फर्स्ट लव का एपिसोड 30। और अगर अभी तक आपने पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस वीडियो पर एम करते हैं 274 लाइक्स और स्टार्ट करते हैं एपिसोड 30 की एक्सप्लेनेशन। आर्किटेक्ट टीचर और काइटो डिस्कस कर रहे थे डिजाइन कंपटीशन में हुए एरर्स के बारे में। तभी वो हेशन के पास से निकलते हैं जो मटेरियल अरेंज कर रही थी चिल्ड्रन डोनेशन इवेंट के लिए। तभी एक बैनर गिरता है और काइटो भागता है हेशन को उस बैनर से बचाने के लिए। हेशन उससे पूछती है तुम क्या कर रहे हो और उससे एक्सप्लेन करती है कि अगर बैनर गिरेगा तो अभी कोई हर्ट नहीं होगा। आर्किटेक्ट टीचर हेशन से पूछते हैं कि वो किस तरह इस प्रोग्राम के लिए उनकी हेल्प कर सकते हैं। हेशन कहती है आप स्टेशनरी और क्लोथ्स डोनेट कर सकते हो। आर्किटेक्ट टीचर डिसाइड करते हैं कि वो क्लोथ्स डोनेट करेंगे। इधर हेशन काइटो को कोई अटेंशन नहीं देती। यूनियन और म्याओ म्याओ कैंपस में लेक साइड मिलते हैं, जिससे वो साथ में मॉडल क्लासरूम में जा सकें कलरिंग बुक्स बनाने के लिए जो डोनेट होनी है। म्याओ म्याओ कुछ स्टूडेंट्स को देखती है जो यूनियन को जानते हैं, तो म्याओ म्याओ उनके सामने ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो यूनियन के साथ नहीं है। देन वो दोनों मॉडल क्लासरूम में जाते हैं और अलग अलग बैठते हैं। मॉडल क्लासरूम में वांग युतियान भी पहुंचता है और म्याओ म्याओ की फ्रंट डेस्क पर बैठ जाता है। जब वो म्याओ म्याओ को देखता है तो अपनी डेस्क पुल करके म्याओ म्याओ के क्लोज ले जाता है और उससे पूछता है कि वो क्या ड्रॉ कर रही है। म्याओ म्याओ कहती है 12 चाइनीज ज़ोडियाक साइंस। तो वांग युतियान डिसाइड करता है कि वो 12 हॉरोस्कोप्स बनाएगा, जो कि म्याओ म्याओ के आइडिया पर बेस्ड है। यूनियन उन दोनों को घूर रहा था। देन वर्क करते करते म्याओ म्याओ की पेन की इंक एंड हो जाती है। यूनियन और वांग युतियान ये नोटिस करते हैं। यूनियन म्याओ म्याओ के पास जाकर उसे एक्स्ट्रा पेन देता है। वांग युतियान भी उसे पेन ऑफर करता है। म्याओ म्याओ यूनियन की जगह वांग युतियान की पेन एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि अगर वो यूनियन की करती तो उसे डर था कि कहीं सबको उसकी रिलेशनशिप के बारे में पता ना चल जाए। यूनियन गुस्से में म्याओ म्याओ के पास से चला जाता है और फिर उसकी साइड देखता भी नहीं है। म्याओ म्याओ पेपर की स्मॉल बॉल बनाकर यूनियन की तरफ फेंकती है। यूनियन उस बॉल को ओपन करता है और उसमें म्याओ म्याओ ने लिखा है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। यूनियन उस पेपर को अपनी नोटबुक के अंदर रख लेता है। यूनियन अभी भी गुस्से में लगता है। म्याओ म्याओ अगेन लिखकर पेपर बॉल फेंकती है मैं गलत हूँ और अब से मैं तुम्हारी ही पेन यूज करूंगी। यूनियन उसे भी अपनी नोटबुक के अंदर रख लेता है बिना कोई ज्यादा रिएक्शन दिए। म्याओ म्याओ अभी भी गिव अप नहीं करती और अगेन पेपर बॉल फेंकती है और उसमें लिखा है कि यूनियन मेरी तरफ तो देखो प्लीज। यूनियन म्याओ म्याओ की साइड देखता है और म्याओ म्याओ उसे सॉरी कहती है। इससे यूनियन को हंसी आ जाती है। म्याओ म्याओ रूम के बैक में जाती है और यूनियन सीरियसली उससे कहता है इधर आकर मेरी पॉकेट से कुछ थिंग निकालो। म्याओ म्याओ यूनियन के पास जाती है और उसकी पॉकेट में अपना हाथ डालती है। यूनियन म्याओ म्याओ का हाथ पकड़ लेता है पॉकेट के अंदर ही। अब वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं जैकेट के अंदर और किसी को भी नहीं पता। वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं। म्याओ म्याओ यूनियन से कहती है तुम लायर हो, तुम्हारी पॉकेट में तो कुछ नहीं है। यूनियन कहता है कैंडी अदर साइड है और वो उसे निकाल कर देता है। हेशन रेडियो स्टेशन में डोनेशन बॉक्स पैक कर रही थी और तभी वहाँ काइटो पहुँचता है आर्किटेक्ट टीचर के डोनेशन बॉक्स लेकर। हेशन सिंपली काइटो से कहती है कि तुम बॉक्स फ्लोर पर रख दो और उसे इग्नोर करती है पूरे टाइम जब वो बॉक्स रख रहा था। काइटो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे हेशन से कम अटेंशन मिलना पसंद नहीं है। तभी थंडर की आवाज़ आती है और काइटो हेशन से पूछता है क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला है। हेशन काइटो की बात का आंसर नहीं देती और भागकर बाहर जाती है। काइटो भी उसे फॉलो करता है। एक्चुअली में पब्लिक सिटी मटेरियल बाहर है। हेशन वहां पहुंचकर उसे अंदर रखती है। काइटो भी उसकी हेल्प करता है। हेशन उससे कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। तभी रेन भी स्टार्ट हो जाती है तो काइटो बैनर का यूज करता है हेशन को बारिश से बचाने के लिए। हेशिन अनॉयड हो जाती है क्योंकि वो बैनर को भिगाना नहीं चाहती। तो फिर काइटो अपनी हुडी यूज करता है हेशिन को भीगने से बचाने के लिए।
यूनियन और म्या म्या मॉडल क्लासरूम से जाने वाले हैं, पर बारिश की वजह से थोड़ा वहीं रुकते हैं। म्या म्या को डर है कि कहीं कोई उसे यूनियन के साथ ना देख ले। यूनियन उससे कहता है, काफी लोग जा चुके हैं, इसलिए तुम्हें मुझसे दूर खड़े रहने की जरूरत नहीं है। म्या म्या अपने बैग से अम्ब्रेला निकालती है और यूनियन वो ले लेता है। यूनियन अम्ब्रेला ओपन करता है और म्या म्या का हाथ पकड़कर उसे अम्ब्रेला के अंडर लाता है। म्या म्या हेजिटेट होती है। यूनियन अम्ब्रेला को थोड़ा झुका लेता है जिससे उनके फेस नहीं दिखते और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं। म्या म्या वापस अपने रूम में आ जाती है और अपने हाथ को ही देखती रहती है और अपने बेड में रोल रोल होती रहती है खुशी की वजह से, और वो ये बात लिंचिया को भी बताती है। लिंचिया म्या म्या को एक अनाउंसमेंट के बारे में बताती है जो उसने फैशन डिपार्टमेंट में देखा था कि फैशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को यूके जाकर स्टडी का चांस मिलेगा 1 ईयर के लिए। नेक्स्ट डे यूनियन और म्या म्या जल्दी मॉडल क्लासरूम पहुंच जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं, पर तभी वहाँ वांग युतियान पहुंचता है और म्या म्या अपना हाथ जल्दी से खींच लेती है। वांग युतियान और म्या म्या बात करने लगते हैं और यूनियन बस साइड से खड़ा होकर उन्हें घूरने लगता है। वांगी फांगश्याओ के रूम के बाहर खड़े होकर उसका वेट कर रहा है और जब फांगश्याओ बाहर आती है तो वो अपनी ड्रॉ करी हुई कलर बुक उसे देता है और पूछता है, क्या ये सही है जिससे मैं तुम्हारी और हेल्प कर सकूं? फांगश्याओ उसके बग को प्रेस करती है और उससे अपने साथ मॉडल क्लासरूम चलने की कहती है जिससे वो और कलरिंग बुक्स कंप्लीट कर सके। वांगी बहुत खुश हो जाता है। इधर मॉडल क्लासरूम में म्या म्या नोटिस करती है कि यूनियन थक गया। वो फीवर कूलिंग पैच निकालती है और यूनियन को एक देती है। ये देखकर वांग युतियान की क्यूरियोसिटी बढ़ती है और वो यूनियन से पूछता है, क्या यूनियन बीमार है? म्या म्या उसे एक्सप्लेन करती है कि वो इसका यूज खुद को फ्रेश रखने के लिए करते हैं। वांग युतियान कहता है, मैं भी इसे यूज करूंगा। म्या म्या उसे भी एक पैच ऑफर करती है। ये देखकर यूनियन जेलस होता है। वांग युतियान कंटिन्यू म्या म्या से बात करता रहता है और म्या म्या से कलर करने में हेल्प करने को बोलता है। मॉडल क्लासरूम में वांगी और फांगश्याओ भी आ जाते हैं और वांगी नोटिस करता है कि वांग युतियान कितना बात करने लगा है म्या म्या से। वांगी यूनियन को टीज करता है कि ये सब सिमिलर नहीं है क्योंकि एक जूनियर सीनियर से समझाने की बोल रहा है। वांगी यूनियन को हिंट दे रहा है जैसे म्या म्या उसे समझाने को बोलती थी। इस पॉइंट पर यूनियन बहुत फ्यूरियस हो जाता है और कहता है, यहाँ बहुत शोर है, मैं कहीं और जाकर वर्क करता हूँ, और वो क्लासरूम से चला जाता है। म्या म्या को यूनियन का मैसेज रिसीव होता है और वो उसे रूफटॉप पर बुलाता है साथ में ड्रॉ करने के लिए। म्या म्या रूफटॉप पर पहुँचती है। दोनों रूफटॉप पर ड्रॉ करते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, पर उनका स्वीट मूवमेंट ब्रेक हो जाता है जब वहाँ एक मेंटेनेंस वर्कर आता है और वो उन्हें वापस जाने को कहता है। म्या म्या यूनियन को सजेस्ट करती है कि वो वापस मॉडल क्लासरूम में ही चले और वहीं ड्रॉ करें। यूनियन मना करता है और म्या म्या को लेकर पूल एरिया साइड जाता है और वो दोनों खुश होते हैं क्योंकि वहाँ कोई नहीं है। फाइनली वो दोनों शांति से ड्रॉ कर सकेंगे। यूनियन म्या म्या से पूछता है, क्या तुम्हें स्विम करना आता है? म्या म्या कहती है, मेरे डैड सीमैन हैं, इसलिए वो मुझे और याओयाओ को कभी कभी सी पर ले जाते थे स्विम के लिए। यूनियन पूछता है, क्या तुम्हारे डैड मोस्टली बाहर अपनी जॉब पर ही रहते हैं? म्या म्या सैडली कहती है हाँ, और कहती है, मैंने बहुत टाइम से अपने डैड को नहीं देखा और मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। यूनियन म्या म्या से कहता है, मैं तुमसे अलग सिर्फ एक बार होऊंगा यूके जाते टाइम, पर मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। म्या म्या उससे कहती है, शायद हम अलग ना हों, और वो यूनियन को यूके एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में बताती है फैशन डिपार्टमेंट के। म्या म्या कहती है, मैं भी इसमें अप्लाई करूंगी। ये बात यूनियन की एक्साइटमेंट बढ़ा देती है। म्या म्या नोटिस करती है कि यूनियन का शूलेस खुला हुआ है, इसलिए वो उसको टाई करने के लिए बैठती है। इस वजह से वो एक्सीडेंटली यूनियन के चीक पर किस करती है। म्या म्या जल्दी से खड़ी हो जाती है और सरप्राइज होती है कि उसने ये क्या कर दिया। वो यूनियन से सॉरी भी कहती है क्योंकि उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। यूनियन म्या म्या को खींचता है और वो भी उसके चीक पर किस करता है। और एपिसोड 30 यही एंड होता है।